नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। 13 मई कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि ऐसे समय में जब देश कोविड-19 महामारी का सामना कर रहा है, टीके ऑक्सीजन और दवाओं के साथ वह खुद भी गायब है। वैक्सीन ऑक्सीजन और दवाओं के साथ साथ प्रधानमंत्री भी गायब है। बचे हैं तो बस सेंट्रल विस्टा, दवाओं पर GST और यहाँ वहाँ प्रधानमंत्री की फोटो। ज्ञात हो कि कोविड-19 के प्रबंधन को लेकर राहुल गांधी प्रधानमंत्री पर लगातार हमले बोल रहे हैं और देश में संक्रमण के बढ़ते मामले के मद्देनजर ऑक्सीजन, दवाओं और टीकों की ही हो रही कमी के लिए सरकार की आलोचना कर रहे हैं। बृहस्पतिवार को देश में एक दिन में कोविड-19 के 3,62,727 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही संक्रमण के कुल मामले 2,37,03,665 हो गए हैं, जबकि कोरोना वायरस संक्रमण से 4,120 लोगों की मौत होने के बाद मृतक संख्या 2,58,317 पर पहुंच गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।